स्विमिंग पूल टाइप में बना हुआ है, तो पुराने टाइम में हो सकता है कि ये एक नहाने का कोई अच्छा सा स्थान रहा होगा। तो ये है वो जगह, और यहाँ से ताजमहल अभी भी लगभग 1 बजे में आ चुके हैं इवनिंग का टाइम में, और यहाँ देखते हैं क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ है। क्या खाना पसंद करोगे सरदार जी? चाउमीन। चाउमीन ठीक है, और आप क्या खाना पसंद करोगे? मंचूरियन। एंड आप? हनी चिल्ली पटेटो। तो पिंड बलूची में आए, तरह तरह की ख्वाहिशें हैं, चटपटी, खट्टी मीठी, सब तरह की। और मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको होटल का। हेलो गाइज, आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। तो अभी हम सिकंदरा का जो किला था वो क्रॉस करने के बाद, और फिर एक होटल में गुरुद्वारे में ठहरने के बाद, अभी हम ताजमहल यानी कि आगरा, मेन आगरा सिटी में पहुंच चुके हैं। और अभी जो रोड है वो अभी ताजमहल वाला ही रोड है, ये जैसे कि आपको इस साइड दिख पा रहा है। तो अभी हम मतलब मेनली ताजमहल पहुंच चुके हैं, तो चलिए ताजमहल का दृश्य दिखाते हैं आपको, कैसा रहता है, क्या रहता है। तो अभी हम किससे पूछेंगे भी। तो ये जो एंट्री है ये ताजमहल की एंट्री है मेन, अभी हम आ चुके हैं और अभी हम पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। बाहर आपको रिक्शे वाले मिलते हैं, अगर आप बस से आ रहे हैं या किसी पैसेंजर व्हीकल से आ रहे हैं तो आप बाहर लगा सकते हैं किसी भी तरह की कोई गाड़ी वगैरह है। और अभी हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या जो है रहने वाला है और कहाँ पार्किंग लगेगी, किस तरह की पार्किंग रहेगी। और यहाँ एक चीज और है, यहाँ पे काफी सारे आपको मीडिएटर मिलते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे हर चीज, तो उनसे थोड़ा सेफ रहना है। और यहाँ जेब कतरे भी बहुत है आगरा के अंदर जैसा कि सुना जाता है, तो इन चीजों से आपको थोड़ा सेफ रहना होगा। और बाकी तो आगे जा ही रहे हैं, दिखाते हैं क्या क्या रहने वाला है। ये हमारा ग्रुप है, ये किसान है, किसान मास्क तो हटा, मजे आ रहे हैं, बिल्कुल मजे आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आगरा। आगरा जा रहे हैं, कहाँ पे बढ़ गए? ताजमहल में बढ़ गए, ताजमहल में हम बढ़ रहे हैं। हाँ भाई सूरज बढ़िया, सूरज तो सुनने है, थोड़ा कमजोर होगा। भूख लग रही है? भूख लग रही है? चलो भूख भी नहीं लग रही है आगे, बाकी खाने पीने का सारा कुछ है यहाँ पे, चाय भी है, पार्किंग भी है, सब कुछ है। चलो देखते हैं। ये यहाँ की सारी पार्किंग रहने वाली है, और यहाँ पे आपको ना चार्जिंग वाली स्कूटी और चार्जिंग वाले रिक्शा इस तरह से वो मिल जाते हैं। तो अगर आप मेनली ताजमहल में जाते हो तो ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी वाला रिक्शा मिल जाता है, वो सीधा आपको ताजमहल लेके जाएगा। और अगर आप थोड़ा बाहर घूमना चाहते हैं तो वो आप इधर से निकल सकते हैं। तो जैसे पार्किंग में आओगे, पार्किंग में ट्री मिल जाएंगी, जो छोटे चार्जिंग वाले रिक्शे होते हैं, तो वो आपको कुछ 5-7 जगह हैं बाहर बाहर आउट ऑफ ताजमहल, तो वो सारा घुमाते हुए लेके चलेंगे। तो अभी इस भाई साहब से बात करता हूँ, वो कहाँ कहाँ एक बार लेके जाने वाले हैं। भाई कहाँ कहाँ लेके जाओगे? घाट के बारे में बताएंगे, मीना बाजार है आगरे का पहला, देखा कि गेट पे ड्रॉप। ये 3-4 जगह हैं, वहाँ हमें घुमा के और फिर उसके बाद जो ताजमहल का जो मेन गेट है वहाँ ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद हम वहाँ से पैदल आ जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिक्शे वाले मिलेंगे जिसमें हम बैठ भी गए थे, और ये झूठ बोल करके आपको बाहर की तरफ से लेके जाएंगे,
और बताएंगे कि हम आपको मीना बाज़ार दिखाएंगे और जो आगरे का मशहूर पेठा है वहाँ लेकर जाएंगे। तो ये एक दो इनका जो फिक्सिंग होती है दुकानदारों से, वहाँ पर लेके जाते हैं और ना ही कोई मीना बाज़ार घुमाते हैं, ना ही कोई आगरे का पेठे की कोई दुकान दिखाते हैं। बस एक दो जो दुकान है वो फिक्स होती है इनकी, जहाँ पे इनका कमीशन फिक्स होता है वहाँ पर आपको लेके चले जाएंगे। बट आपको इनके रिक्शे में नहीं जाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आगरा की खुद की गाड़ियाँ हैं, ताजमहल की खुद की गाड़ियाँ हैं, तो आप उनमें बैठ करके जा सकते हैं। इनके झांसे में बिल्कुल भी ना आएँ, ये आपको फंसा कर बाहर की तरफ से लेके जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है। और अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन चुरने का या फ़ोन छीनने का भी उधर की साइड डर रहता है, तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत बहुत सेफ़ रहना है। अभी अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे टिकट, आपको टिकट या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ एक तो नेटवर्क की दिक्कत होती है, दूसरा क्या होता है कि मीन्स आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, साइट वगैरह खुलती नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ना मीडिएटर मिल जाते हैं, तो अंदर आप अगर आप टिकट लेंगे तो टिकट आपको पड़ेगी लगभग 45-50 रुपए की टिकट पड़ती है और ये 55 रुपए में टिकट बुक कर देते हैं। तो मैं एक बार भाई से बात कराता हूँ। भाई कितने में टिकट बुक करते हो? 55 में। थोड़ा जोर से बोलिए। 55 में। तो इस तरह से 55-60 रुपए आपकी टिकट के लगते हैं, तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अंदर एंट्री करके जा सकते हैं। और ये बाजार है जहाँ आप दूसरी साइड से आते हैं, तो इस तरह से ये बाजार है। यहाँ काफी सारे मीडिएटर मिल जाते हैं आपको इस तरह से। चलिए और आगे दिखाते हैं अभी क्या क्या जो है रहने वाला है यहाँ पे। ये अभी हम एंट्री कर रहे हैं, ये सामने एंट्री गेट है, तो दिखाते हैं आपको एंट्री गेट। और यहाँ पे एक मार्केट भी अच्छी, यहाँ पे आपको पेठा मिल जाता है। बस थोड़ा सा ये कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो जाए, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा सेफ आपके अपने आप को करके रखना है। और यहाँ काफ़ी सारे जो मीडिएटर मिलते हैं, तो उन मीडिएटर के चक्कर में नहीं आना है, जो भी आपको करना है अलग से करें सारा कुछ, और क्योंकि यहाँ चीटिंग बहुत होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पे फ़ोन भी छीन के ले जाते हैं, जैसे आप जा रहे हैं कहीं वीडियो बना रहे हैं, रिक्शे वगैरह में आ रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे फ़ोन स्नैचर भी हैं, तो वो आपके फ़ोन को छीन के लेके जा सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा इस चीज़ से भी आपको अपने आप को सेफ रखना है, और अपने जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनको भी ठीक ढंग से अच्छी जगह पे, अपने व्हीकल्स को भी एक ठीक ढंग से अपनी जगह पे खड़े करें। तो अभी हम ये एंट्री पे आ चुके हैं। ये यहाँ की एंट्री है और बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मास्क वगैरह सारा कुछ आपको। ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, बहुत ही हाई सिक्योरिटी चेक है। आपको थोड़ा अगर आपके पास किसी भी तरह का तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट है, वो सब आपको यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। ये एंट्री है ताजमहल की। ये यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी पुराने ये रूम हैं, अब से पता नहीं जब ताजमहल जब भी बना होगा। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बंदरों से दूर रहें, तो आपके जो भी बिलोंगिंग्स है, आपका बैग है, फोन है, कैमरा है, मोबाइल है, तो वो सारा कुछ आपको थोड़ा सेफ करके रखना पड़ेगा। अभी टिकट लेने के बाद हम अभी अंदर आ चुके हैं और अंदर का नज़ारा भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। और दूसरा और कोई भी जानकारी होगी तो वो हम सारा कुछ पोस्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।